सिंगरौली जिले की माड़ा थाना अंतर्गत रजमिलान खुटार मेन रोड पर खून से लथपथ मिले भाई बहन की लाश को जहां माड़ा पुलिस दुर्घटना मान रही थी, वहीं इस मामले को माड़ा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र सिंह को जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र सिंह ने इस मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर माड़ा पुलिस ने इस मामले की जब गहनता से जांच की तो संदेह के आधार पर आरोपी नंदलाल को गिरफ्तार किया गया। आज पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, SDOP राजीव पाठक, माड़ा थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माड़ा पुलिस के पूछताछ में हत्या का आरोपी नंदलाल ने अपने साले से मामूली विवाद में इतना क्रोधित हुआ कि अपने पत्नी व अपने साले की धारदार हथियार से मारकर हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध धारा 302-201 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय पेश किया है, जहां जमानत निरस्त होने पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। माड़ा थाना क्षेत्र की घटना है, क्या मामला है? 21 और 22 की दरमियानी रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रजमिलान के पास में सड़क पे दो लोग जो है वो एक पुरुष और एक महिला इनकी बॉडी पड़ी थी और पास में ही मोटरसाइकिल जो है वो गिरी पड़ी थी और इस पे सूचना पर माड़ा थाने की पुलिस जो है स्पॉट पे गई और स्पॉट पे जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह किया गया। कायमा पेशी में प्रथम दृष्टि संभवतः ये कोई एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन जो दोनों जो बॉडीज थी उनका जब आइडेंटिफिकेशन किया गया तो एक अभिमन्यु साकेत और एक उनकी बहन इंदिरा साकेत के रूप में वो आइडेंटिफाई है। उनके परिजनों से जब चर्चा की गई तो उनके परिजनों ने हत्या होने की आशंका व्यक्त की। इस पूरे मामले को पूरी तरह से जो है वो ओपन रखा गया और हर तरीके से हर इंग्लिस इसमें जाँच की गई, हमारे कायम किया गया और जो संदेही था उससे जब पूछताछ की गई तो घटना ये निकल करके आई कि जो इंदिरा थी इसकी वर्ष 2014 में शादी हुई और जो नंदलाल साकेत इसका हस्बैंड है वो इसके चरित्र इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़े होते थे, बातचीत तलाक की नौबत पर आ गई। इसके तलाक का जो मैटर चल रहा था उसमें माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिया था कि 4-5 महीने का समय दिया है, साथ रहने के लिए कहा कि अगर इसके बाद भी आपस में सामंजस्य नहीं बैठता है तो तलाक स्वीकार। और घटना दिनांक को भी जो है ये जो इसका साला अभिमन्यु उसकी वाइफ इंदिरा इसके यहाँ आया थी और इसने वहीं प्लान किया इसको रजमिलान में ये ऑटो रिक्शा चला रजमिलान में ऑटो ले गया और वहाँ कुछ खराबी हुई तो इसने फोन लगा करके अभिमन्यु को बुलाया। अभिमन्यु और उसकी बहन दोनों मोटरसाइकिल से रजमिलान में पहुँचे और वहाँ पर इंदिरा और नंदलाल के बीच में आपस में कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी और जिस थोड़े से वो ना ऑटो रिक्शा ठीक कर रहा था उसी से उसने इंदिरा को मारा तो वो गिर गई। अभिमन्यु पास में था, वो भी आकर के दौड़ के झटका उसको तो उसको भी इसने उसकी थोड़े से मारा तो उसकी भी जो है इसके बाद इसने मोटरसाइकिल को तोड़ करके उसके इंडिकेटर्स और ग्लास वगैरह तोड़ करके उसको ऐसा स्वरूप दिया इस तरह कि एक्सीडेंट का स्पॉट। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है, 302-201 आदमी का प्रकरण दर्ज किया गया आरोपी को दर्ज। इसमें जो थाने की टीम है उसके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, उसकी माड़ा थाने की जो टीम अच्छा काम किया गया और लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक ट्विटर एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।